महिंद्रा स्कॉर्पियो को दबंगों की गाड़ी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों जितनी इंटरेस्टिंग ये गाड़ी है उतना ही इंटरेस्टिंग है इसका इवोल्यूशन, मतलब इसके माफिया एसयूवी बनने तक का सफर। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो एक दिन महिंद्रा के एक इंजीनियर आनंद महिंद्रा को डिजाइन ऑफिस बुलाते हैं और एक ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, और ये ब्लूप्रिंट आनंद महिंद्रा को काफी पसंद आता है और इस पर काम करने के लिए कहते हैं। उस टाइम कंपनी के पास बजट काफी कम था, लेकिन फिर भी लगभग 600 करोड़ की लागत के बाद ऑफिशियली 20 जून 2002 को स्कॉर्पियो लॉन्च होती है 5.5 लाख रुपए के दाम में। और उस टाइम इस गाड़ी की मेन एक ही राइवल थी, टाटा सफारी डी। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग स्कॉर्पियो को लेने लगे। क्यों, किस लिए? रीजन ये था कि उस टाइम सफारी का प्राइस लगभग 8 लाख रुपए था और स्कॉर्पियो का सिर्फ 5.5 लाख। फिर 2006 में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होता है, जिसमें इसकी टेल लाइट्स एलॉयज वगैरह चेंज किए गए। फिर अगेन 2014 में इसका फेसलिफ्ट आता है, जिसमें और थोड़े चेंजेस किए गए। फिर 2017 में इसका दोबारा फेसलिफ्ट आता है, जिसमें इस बार इसके इंजन में चेंजेस किए गए। एंड अभी करंटली महिंद्रा ने इसको स्कॉर्पियो से स्कॉर्पियो क्लासिक का नाम दे दिया। और भाई आज के टाइम पर इस गाड़ी ने इतना तगड़ा फैन बेस क्रिएट कर रखा है कि शायद ही किसी गाड़ी का हो।